फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा बटरफ्लाई लार्वा के बारे में। ये एक कीड़ा होता है जो हमारे प्लांट पर लग जाता है, जैसे कि मौसमी का प्लांट होता है और नारंगी का प्लांट होता है, लेमन ट्री होता है, तो इस टाइप के प्लांटों पे ये अक्सर लग जाता है। और ये हल्के हल्के हमारे जो पत्ते होते हैं प्लांट के, वो सब खा लेता है। ये देखिए, मेरा नारंगी का प्लांट है और ये नारंगी भी इस पे लगी है और इसने मेरे काफ़ी नारंगी के पत्ते जो हैं वो खा चुका है, सारे ही डैमेज कर दिए हैं इसने। ये देखिए, ये इस तरह से खा लेता है। और ये देखिए, ये जो है ये काफ़ी बड़ा भी है और ये एक नहीं, काफ़ी सारे मेरे प्लांट पर लगे हुए हैं। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको छोटे छोटे बारीक बारीक दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये एक ये है और ये चल भी रहा है, आपको दिख रहा हो। ये काफ़ी सारे मेरे प्लांट पर लगा हुए हैं और मैं आपको और दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए, ये बहुत छुपे हुए होते हैं, आपको शायद दिख ना पाए, लेकिन ये जो पत्ते डैमेज होते हैं आप इनसे इनकी पहचान कर सकते हैं। और ये देखिए, एक ये है, काफ़ी लार्ज है, ये बहुत बड़ा कीड़ा है। ये देखिए, ये सारे ही पत्ते खा लेता है, हल्के हल्के करके काफ़ी डैमेज कर देता है आपके प्लांट को। ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है और ये मेरा पत्ता ही खा रहा था। आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी एक और पहचान। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको बारीक बारीक ज़मीन पर दाने से दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये जो है ये इस कीड़े की वीट होती है और जब भी आपको दिखे ये तो आप समझ जाइए ये मेरे किसी प्लांट पर कीड़े ने अटैक किया हुआ है। ये देखिए, तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इस कीड़े से बचाव के लिए एक तरीका। ये मेरे पास एक दवाई है, इसका नाम चैलेंजर है और ये आपको कहीं भी किसी भी नर्सरी से आसानी से मिल सकती है। ये देखिए, ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल मिल सकती है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाई होती है और बहुत कम इसका यूज़ होता है, ये मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने प्लांटों पर। ये देखिए, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत कम इसके रेट हैं, बस ये आपको दिख रहे होंगे 50 रुपये, ओनली 50 रुपीज़। ये देखिए, इस पर ये कुछ बताया गया है, ऐसे अपना मुंह वगैरह बंद करके इसको लगाएं। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा पानी ले लें, ये करीब आधा लीटर होगा, और इसका कैप आप हटाएं और ये आधे ढक्कन से थोड़ा सा कम आप इसका लिक्विड ले लें दवाई का, और इसको ये पानी में आप डाल दें, ये पानी पूरा वाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये पानी पूरा वाइट हो चुका है मेरा, और इसको आप आसानी से बंद कर दें। और ध्यान रखें ये आपके हाथों वगैरह पे या मुंह के अंदर ना जाए, क्योंकि ये एक टाइप का पॉइजन होता है। इसको आप फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, हिला लें, जितना आपके प्लांट पर पानी लग सके उतना ही आप पानी लें, ये मेरे प्लांट पे इतना पानी काफ़ी है। आइए फ्रेंड्स, ये हमारी दवाई कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसका स्प्रे अपने प्लांट पर करते हैं। आप पहली बार में इसका अच्छी तरीके से स्प्रे करें अपने प्लांट पर, जैसे ये जो हमारा प्लांट है पूरी तरीके से गीला हो जाए और इस पर जो हमारे ये कीड़े लगे हैं ये भी अच्छी तरीके से गीले हो जाएं। ये जो पॉइज़न है इन पे अच्छी तरीके से इसका स्प्रे करना है जिससे ये मर जाएं। और ये जो हमारी दवाई है बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट देती है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दवाई है ये हम किसी भी तरीके के कीड़ों पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो उड़ने वाले हों या वो किसी तरीके के लार्वा हों
ये सारे ही प्लांट पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। जितने भी तरीके के प्लांट होते हैं हमारे, उन सब के जितने भी कीड़े लगे होते हैं सब पे ये काम करती है। और मैं अपने सारे ही प्लांट पर इसको यूज़ करता हूँ, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, ये मेरे किसी भी तरीके के प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करती है, ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे प्लांट के साथ। और ये बहुत अच्छी दवाई है, इसका स्प्रे मैं अच्छी तरीके से कर देता हूँ और इसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको अभी इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तो आइए मैं इसको लगा देता हूँ पहले अच्छी तरीके से अपने प्लांट पर, इसका स्प्रे कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि मुझको कैसा इसका रिज़ल्ट मिला है। और फिर उसके बाद आप भी इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे इस प्लांट पर दवाई लगा हुए आधा घंटा हो चुका है और आइए अब मैं दिखाता हूँ इसका जो रिज़ल्ट है मुझको कैसा मिला है। ये देखिए, ये जो छोटा सा कीड़ा लगा हुआ था हमारे प्लांट पर ये मर चुका है, आपको दिख रहा होगा। और ये मैं पत्ता हिलाता हूँ तो ये देखिए एक गिर गया है। और ये एक बड़ा कीड़ा था जो हमारा पत्ता खा रहा था, ये भी अब मर चुका है और नीचे गिर चुका है मरने के बाद। तो इसका दवाई का मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और आप भी इसको यूज़ करें। तो अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।